तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं आज क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम लेकर चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज यहां पर आर एस अग्रवाल से हम लोग क्वेश्चन को जा रहे हैं सॉल्व करने। पहले इस सॉल्व करने से पहले आपको नंबर सिस्टम क्या कहता है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। दैट इज मेरा मतलब है कि आज हम लोग जा रहे हैं इंट्रोडक्शन को चैप्टर को करने, चैप्टर वन के इंट्रोडक्शन को करने। और आर एस अग्रवाल से हम लोग ये बात करेंगे। किससे बात करेंगे? तो आर एस अग्रवाल के बात करेंगे। टोटल चीज आज आर एस अग्रवाल की बात होगी, क्योंकि आर एस अग्रवाल एक ऐसा बुक है जिससे बेसिक बहुत ही अच्छा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ आर एस अग्रवाल के हर एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ में हम लोग एनसीईआरटी भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो यह बात करने जा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके होंगे और नेचुरल नंबर को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो नेचुरल नंबर कहते किसको है? तो नेचुरल नंबर एक्चुअली में कहा जाता है सभी काउंटिंग नंबर को, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होता है वो वन से होता है। कहाँ से होता है? वन से। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन, यानी कि अगर आपको नेचुरल नंबर को डिनोट करना होगा तो आपको कैपिटल एन लिख देना है। कैपिटल एन का लिखने का मतलब हो जाएगा मैथ्स में नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट मैंने बहुत सारे नंबरों के साथ दर्शा सकते हैं। रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पहला हम जो हम लोग लिखे हैं द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यानी सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो कौन है? 1 है। क्या है? 1। हम लोग थोड़ा सा इसे बात करेंगे रिमार्क्स पर भी। तो लीस्ट यानी कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो कौन है? 1 है। और सेकेंड मैंने लिखा है देयर आर इनफिनिटी इन नेचुरल नंबर, यानी लास्ट नेचुरल नंबर जो होगा, नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा? इनफिनाइट, यानी कि बहुत अनंत तक चलता चल जाएगा, यानी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका ये खत्म हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि होल नंबर, हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या? होल नंबर्स के बारे में। तो जितने भी ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी कि जीरो के साथ साथ जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो हैं ही, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये सब चीज़ें हैं ही, है ना। लेकिन उसके साथ यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सब डॉट डॉट ये सब आने के साथ साथ एक पहले इसकी जीरो लग जाता हो, क्या लग जाता हो? जीरो लग जाता हो। तो ऐसे नंबर्स को जो ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, यानी यह संख्या जो है ना पूर्ण हो चुकी है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव यहाँ पर नंबर आने वाले हैं और उसकी स्टार्टिंग कहाँ है? ओरिजिन से, यानी जीरो से, ठीक है। तो जीरो से जो स्टार्टिंग हो चुकी है तो ये इस नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। होल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। और स्टार्टिंग में इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि हम लोग देखा जाए कि सबसे छोटी जो जीरो सबसे छोटी जो होल नंबर होती है वो जीरो होती है, और जो सबसे अंतिम यानी लास्ट जो होती है उसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, उसका अंत होता है इन्फिनिटी, यानी कि उसका भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देर आर इन्फिनिटी मेनी होल नंबर, यानी कि होल नंबर का कोई भी अंत नहीं है, रिलीज करने का मतलब ये है। थर्ड में लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पर अब यहाँ पर थोड़ी सी बात, यहाँ पर थोड़ा सा अटकता है बात, क्या है अटकता है थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा। मैं यहाँ पर अब लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है। होल नंबर कहा जा सकता है, नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जाता है। लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर कहा नहीं जा सकता, ये कहा जा सकता है। अब आप पूछिएगा क्यों? तो देखिए आप बात समझिएगा, आप यहां पर देखिएगा तो 1 से लेकर 5 ये सब जितना है 1 से लेकर ये सारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है।
लेकिन जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लोग होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है क्या, जीरो से, है ना। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहला सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर का ये नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है, जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आई थिंक क्या लोग बात को अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग का यहां पर आता है बात इंटीजर्स पर। क्या पे आता है, इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स किसको कहते हैं, बड़ा बढ़िया से समझिएगा। अब आप पढ़े कि अभी आप पढ़े पहले में आपने पढ़ा पहला में नेचुरल नंबर के बारे में। एक नंबर लाइन आप देखिए, ये जीरो हो गया। अब जीरो के अगर हम लोग अपने आप को लेफ्ट और राइट करें, लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो लेफ्ट की ओर यानी कि हमारा जो राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड की ओर क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की ओर क्या होता है, नेगेटिव। तो इधर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर हम लोग जाएंगे जीरो के पहले जाएंगे, तो इधर हम लोग -1, -2, -3, -4, -5 लिखेंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव प्राप्त करते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव प्राप्त करते हैं। मैं यहां प्राप्त बता देना चाहता हूं कि पूरी तरीके से लेफ्ट साइड है ना, और ये राइट साइड, ठीक है। तो अब मेरी बात आ रही है कि इंटीजर्स कहते किसको, इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। आप यहां से यहां तक को नेचुरल नंबर कहते हैं, फिर यहां से यहां तक को आप होल नंबर कहते हैं, मैंने इनफिनाइट तक होल नंबर कहते हैं। लेकिन आप अगर जब इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी रख लेते हैं, नेगेटिव नंबर -1, -2 सब सबको अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सबके साथ आप चलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो आई थिंक आप लोग बात समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे नंबरों को इंटीजर्स बोलते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ साथ जीरो को भी कंसिस्ट करके रखते हैं। मैंने क्या लिखा, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, यानी डिनोट जो किया जाता है, वो जेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जेड के द्वारा किया जाता है। बात अच्छे समझ में आ गई। और इसको जो देने वाले जो, ये जो इंटीजर्स का डिफिनेशन जिन्होंने दिया था, इंटीजर्स के बारे में जो हम लोग को इंट्रोड्यूस किए थे, उनका नाम जर्मन के एक वर्ड जेलेन पर था, है ना। जर्मन वर्ड एक जेलेन पर उन्होंने रखा था, ठीक है, और ये काउंट किए थे। और इसी उसी दिन से जेलेन का सबसे पहला लेटर जो जेड है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं डिनोशन में, यानी जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। तो जेड के द्वारा क्या डिनोट करते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट इस साइड भी बढ़ते नजर आएगा और इस साइड भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये निगेटिव और पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी होता है जो, ठीक है। रिमार्क्स में मैंने बहुत सी कुछ चीजों को लिखा है, बढ़िया से आप लोग समझिएगा इसको। पहला क्या है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी जीरो ये ना ही पॉजिटिव है और जीरो ना ही नेगेटिव है, ठीक है, यानी ये ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। दैट मींस कहने का मतलब कि जीरो जीरो है, ना ही पॉजिटिव लिया जाता है और ना ही नेगेटिव लिया जाता है, बीचों बीच है। सेकंड, देयर आर इनफिनिटली मेनी इंटीजर्स, इनफिनिटली मेनी इंटीजर्स, यानी कि दैट मींस कहने का मतलब कि हम अभी जस्ट बताया कि जीरो के इस साइड भी बढ़ते जाएगा और जीरो के इस साइड भी बढ़ते जाएगा। अगर हमारा जीरो बीच में है तो जीरो के इस साइड भी अगर बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, अंत तक, -1,00,000, -करोड़ों, +अरबों, +खरबों, है ना, कितना भी हो सकता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, प्लस में कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी जीरो के उस साइड भी बढ़ जाएगा, जीरो के इस साइड भी बढ़ेगा, है ना, जीरो पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है। अब यहां पर बात आती है कि थर्ड रिमार्क्स में, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब मेरी बात थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, मेरी बात जब 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सब आ रहा है, ये नेचुरल नंबर होगा ही, इसके साथ साथ 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये होल नंबर भी हो गया, ये होल नंबर भी हो गया। अब इसके साथ साथ -5,
माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन इधर इधर बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट, ये जितने भी नंबर्स हैं है ना, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर ही बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, क्लियर है? लेकिन होल और नेचुरल नंबर को इंटीजर्स नहीं बोला जा सकता है, ठीक है? होल और नेचुरल नंबर को इंटीजर्स नहीं बोला जाता, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर में जीरो से निगेटिव, जीरो और निगेटिव नंबर क्या है, अब्सेंट है। होल नंबर में निगेटिव नंबर अब्सेंट है, लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी प्रेजेंट है, जीरो भी प्रेजेंट है और होल नंबर भी, यानी कि दैट मींस नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव जितने भी नंबर है वो सारे प्रेजेंट है। इसलिए इंटीजर्स को होल नंबर और निगेटिव होल नंबर और नेचुरल नंबर कहा जा सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर को और होल नंबर को इंटीजर्स कहा नहीं जा सकता है। आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब यहां पर देखने वाली बात है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए और इस चैप्टर को जानने के लिए। तो रेशनल नंबर कहते किसको है, तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, यानी वैसी सारी संख्याएं जो P by Q के फॉर्म में हो, जो P by Q के फॉर्म में हो, करने का मतलब 4 by 5, 6 by 7, 8 by 9, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। कंडीशन यह है ना कि लास्ट का जो Q है, यानी Q does not equal to 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है रेशनल नंबर कहता है कि मैं सारे फ्रैक्शंस को ना, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस हैं, उन सारे स्मॉलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन को मैं रेशनल नंबर कहूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर में किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है? तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, यानी रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी क्यू पी बाय क्यू, बड़ा क्यू, याद रखिएगा बड़ा क्यू। पी बाय क्यू को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है? सॉरी, पी और क्यू जो है इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकता है, यानी कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं। इसी आधार पर रेशनल नंबर को बांट दिया गया है, ठीक है? पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है? कुछ बातें हम लोग करेंगे अभी। तो रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, है ना? रेशनल नंबर का स्टार्टिंग देखा जाए तो रेशियो से ये बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रेशियो। और रेशियो हम लोग कहते किसको है? स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो, ठीक है? और क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ क्वेश्चन। क्यू जो है क्वेश्चन से बना हुआ, क्योंकि भाई डिवाइड करने के बाद जो लास्ट फॉर्म बनता है हमको उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। और इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किसको? रेशनल नंबर को क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/4, 3/2, 11/79, -2001/2002, +2001/2002। रिमार्क्स में कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। There are infinitely many rational numbers, है ना? बहुत से rational number यहाँ पर जो है कि आपके हो सकते हैं, बहुत सारे rational number यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं rational numbers की। तो rational number में जो remarks है, there is infinitely many rational number, कितने भी rational number हो सकते हैं, positive में भी हो सकते हैं, negative में भी हो सकते हैं आपके rational number, ठीक है? तो यहाँ से अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की। देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, यानी
भाई कोई भी निगेटिव की ओर भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव की ओर भी बढ़ रहा है, तो कहीं से ना इसकी अंतिम संख्या निकाली जा सकती है ना शुरुआत संख्या निकाली जा सकती है। यानी कि ये रेशनल नंबर का ना ही कोई स्टार्टिंग रेशनल नंबर है, नहीं एटलीस्ट या लास्ट कुछ भी नहीं है ना, शुरुआत भी कुछ नहीं है और लास्ट भी कुछ भी नहीं है, यानी इंफिनिटी तक। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है मेरा, जीरो जो जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो के नीचे में वन रहता है। हम लोगों ने बात किया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, हमने बात क्या किया था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जीरो के बटे में डिनोमिनेटर तो वन होता है ना, तो इसलिए ये जीरो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट वन टू, यानी कि हम लोग जो भी होल नंबर या इंटीजर्स या जितने भी इंटीजर्स हम लोग लिखते हैं वो सब को हम लोग, चाहे -2 हो, -3 हो, +2 हो, 3 हो, सब के नीचे में वन वन लिख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। यानी सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स नंबर है, सारे होल नंबर इंटीजर्स नंबर या जितने भी है होल नंबर इंटीजर्स नंबर और नेचुरल नंबर है, इस सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? फिफ्थ जो पॉइंट है मेरे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फिफ्थ पॉइंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर सिंस इंटीजर्स कैन बी रिटन एज 1, 31, 31/10, 0/1, 79, 79/1, है ना, यानी 79 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 79/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 79/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये सारे होल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर्स सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं अपने नए पॉइंट्स की ओर। अब हम लोग रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो होता है मेरे बच्चों, रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर पे किसी भी कीमत पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है ना, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है रेशनल नंबर में। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 2/4, 3/6, क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो आप बोलेगा सर यस, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। कैसे, तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना होता है, कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये देखिए 1/2 = 1/2, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट फॉर्म जो आप करते हैं रेशनल नंबर का, यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म जो करते हैं फ्रैक्शन का, वो नंबर अगर बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के बाद, दिस आर नॉन एज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। तो गाइस जब हम लोग आ चुके हैं डेसिमल, अपने डेसिमल पर, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर हम लोग यहाँ पर अब जाने बताने, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है रेशनल नंबर में, इस पैसे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, किसके बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ डिजिट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि एक निश्चित संख्या तक जाते जाते वो पूरी तरीके से कट जाता हो, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या बच जाता हो, जीरो बचता हो, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल देता हूं मैं, 10 को हम लोग जब अगर 4 से डिवाइड देते हैं, है ना, 10 को हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, तो इस तरीके से आप जब डिवाइड देते हैं तो 4 2 जा 8, फिर यहां पर आप पॉइंट बिठाकर यहां 0 1 बिठाते हैं, और 4 5 जा 20,
यानी कि आप एक निश्चित संख्या तक जाते जाते आपका एक निश्चित हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। तो जिसकी भी रिमाइंडर आपकी अगर जीरो हो जाती है और एक निश्चित डेसिमल के बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं होल पार्ट, क्या बोलते हैं होल, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो इस पार्ट वाले को अगर वो निश्चित संख्या तक जाते जाते कट जाती है तो ऐसे, यानी ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में 6.25, 2.5, 3.57, ये जितने भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग दे रहे हैं 3.5, 6, 7, 8, ये लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे को, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम लोग एक एग्जांपल्स के माध्यम से और देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल दिया है 1/4 को, अब 1 को डिवाइड दिया जाए 4 से तो ये पॉइंट लगेगा तो 0, ठीक है। 4 2 जा 8, फिर यहां आएगा एक और 0 लगेगा, 4 5 जा 25, ये कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0, और इसका आंसर क्या आ गया 0.25। तो यानी कि निश्चित संख्या तक जाते जाते क्या हो गया, कट गया। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई थिंक आप लोग ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो और भी हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग के बीच में जो वही डेसिमल कहीं बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट रूल्स भी हैं, कुछ रूल्स रिलेशंस हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ए रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग, नो उसको टर्मिनेटिंग के रूप में, यानी पी बाई क्यू जो होता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल ओनली है ना, कब, जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, जी यहां से आप समझ में आ जाएगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि ए रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर इज ऑफ क्यू आर 2 and 5 ओनली। इसके कहने का मतलब यह है कि जिसका, आपको मालूम है कि फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, जिसका भी डिनोमिनेटर ओनली केवल फैक्टर ऑफ 2 या 5 या 2 and 5 बोथ, तो आप समझ जाइएगा कि वो फैक्टर प्राइम टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लिया जाए कि मेरे को 4/25 दिया गया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया गया है 4/25। अब इस 4/25 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है इसको पहचानने के लिए आपको मात्र अपने डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है, यानी आप 25 को इधर साइड में रखिए, 25 को इस तरह से लिखिए और देखिए 5 5 जा 25, केवल ये, यानी 4 5 into 5, केवल 5 का फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अरिभाषण में, या मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर 7/8 है, 7/8 का मतलब क्या है, 7/2 into 2 into 2, तो केवल ये 2 का डेसिमल है, इसलिए ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं 7/20, तो इसका हम लोग करते हैं 7/20 के लेकर हम लोग 2 into 2 into 5, तो इन तीनों केस में ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो जो जिस जिस की भी
डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसे ऐसे सभी डेसिमल के एक्सप्रेशंस जो कहे जाएंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। आई थिंक कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहां पर बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद की। अगर बात की जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल के रूप में भी नाम देते हैं, रिपीटिंग को, है ना। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल के रूप में भी करते हैं। जैसे रिपीटिंग कई प्रकार के होते हैं, है ना। रिपीटिंग बार 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 रिपीट होने वाला, तो उसको हम लोग रिकरिंग के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? रिकरिंग के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ए डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट डिजिट, ए डेसिमल इन विच अ डिजिट या सेट डिजिट इज रिपीटेड बाय पीरियोडिकली, माने कि एक पीरियड के बाद जाएगा वो रुक जा रहा हो, फिर पढ़ रहा हो, फिर वही पढ़ रहा हो, फिर वही पढ़ रहा हो, तो ऐसे को हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल के रूप में रखते हैं। इन अ रिकरिंग डेसिमल वी प्लेस बैक ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटिंग डिजिट एंड ओमिट द अदर रिपीटिंग ब्लॉक्स। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बात कर रहा हूं कि अगर मैं लिखा 6.33, है ना, तो अब ये 3 3 3 3 चलते आ रहा है, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? 6 point under recurring 3। ये अगर मान लिया जाए ये एक वर्ड का हुआ, अगर मान लिया 6.357, फिर आगे चलकर 3 5 7, फिर आगे चलकर 3 5 7, ऐसे आते जा रहा है, तो इसको हम लोग, और ये रिपीट होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, एक फाइनाइट नंबर तक रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। यानी इसको हम लोग 6.357 और इन तीनों पर हम लोग रिकरिंग चला देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ डिजिट। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ डिजिट, यानी कि तीन पर है ये रिकरिंग। कितने पर है? तीन पर है रिकरिंग। तो 6.357 क्लियर है। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। पहला में जो मैंने पॉइंट लिखा है, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। किसी भी हम लोग रेशनल नंबर को उसको तीन फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक तो हम लोग टर्मिनेटिंग के फॉर्म में, जो निश्चित संख्या तक कट जाता हो। दूसरा हम लोग उसको रिपीटिंग के फॉर्म में, यानी रिकरिंग के फॉर्म में कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। इन नॉन टर्मिनेटिंग जैसे बोला जाता है, जैसे हम लोग 1.32 0 5 6 7 8 0 9 1 2 5 7, माने कि इसमें कहीं भी रिपीट होता नजर नहीं आ रहा है, रिपीट होता नजर नहीं आ रहा, और ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट है, नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग रेशनल के रूप में लिख सकते हैं, लिखते हैं। यहां पर हम लोग इरेशनल नंबर, ए नंबर, अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के किताब का, आप लोग के टॉपिक का, एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इरेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन एज रिपीटिंग डेसिमल, है ना। यानी ना ही इसको ना ही हम टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही रिपीटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी कि ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल हो, है ना, ना इस फॉर्म में हो 6.25 और ना ही इस फॉर्म में हो 6.25 अंडर रिकरिंग, इस फॉर्म में नहीं हो, ऐसे को ही हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। दस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। जैसे यहां बोल दिया ना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में 6.202 0002 0002, देख रहे हैं, यहां पहले एक जीरो था, यहां दो जीरो है, यहां तीन जीरो है, और ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं
इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखिए पॉलिशमेंट में मैंने लिखा है, यहाँ पे दो जीरो है, यहाँ तीन जीरो है और यहाँ चार जीरो है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हुआ, अतः यह क्या है इरेशनल नंबर है। सेकंड में भी मैंने इरेशनल नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ टाइप्स हैं इसके। तो पॉली टाइप्स में आप लोग ये नॉन रिपीटिंग वाला समझ गए है ना। अब यहां पर जो है इफ एम इज अ पॉसिबल इंटीजर विच नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई रूट में है, कोई संख्या क्या है रूट में है, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर में आपको मालूम है कि जब तक से इसका पेयर नहीं लगता है तब तक से ये बाहर नहीं निकलता है। तो इसका, तो इसका पेयर लग रहा है तब ना ये बाहर निकल रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं निकल रहा है तो इसका पेयर नहीं लगने की वजह से यह क्या है, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में रूट टू का हम लोग नहीं निकाल सकते, रूट थ्री का नहीं निकाल सकते, रूट फाइव का नहीं निकाल सकते, रूट सिक्स का नहीं निकाल सकते, रूट सेवन का नहीं निकाल सकते हैं, रूट एट का नहीं निकाल सकते हैं। अब कहिएगा सर कि रूट एट का तो निकलता है, तो हम आपको बताएंगे नहीं बाबू, टू इंटू टू इंटू टू होता है, ये तीन हो गया, और ये दो का पेयर लगने की वजह से ये दो तो निकल जाता है लेकिन अंडर में एक टू बच जाता है, तो एक दो बच जाने, यानी कि किसी भी तरीके से उस एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में अगर रूट में रह जाता है ना, रूट में रह जाता है तो कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, पहला पॉइंट मैंने लिखा है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्युनिटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, यहां लॉ होगा है ना, फॉर एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड में सम ऑफ टू इरेशनल नीड टू बी अ इरेशनल, ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ इरेशनल नंबर ही हो। जैसे एग्जांपल में मैं अगर बात करना चाहूं तो अगर मैं दो प्लस रूट थ्री है ना और माई प्लस दो माइनस रूट थ्री, अगर ऐसा मैंने लिख दिया ये, क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर और ये भी इरेशनल नंबर, लेकिन इन दोनों का जोड़ जो होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे वो देखिएगा, दो प्लस रूट थ्री प्लस दो माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री और रूट थ्री कट गया, तो दो और दो क्या हो गया चार, तो अब इसके नीचे तो वन आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें सेकेंड वाला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, Difference of two irrational number need not be a irrational number. अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों का घटाओ भी है ना irrational number हो, यानी irrational में से irrational घटाने पर irrational ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कैसे, example देखिए, five plus root two और minus three plus root two, जब इसको आप solve कीजिएगा तो five plus root two माइनस थ्री माइनस रूट टू, तो रूट टू क्या हो गया कट गया, तो रूट टू कटने की वजह से ये क्या आ गया फाइव में से थ्री जाएगा तो माइनस थ्री और यहां पर क्या आ जाएगा टू, तो टू क्या हो गया एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ ये तो एडिशनल है, अब मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ चीजें देख लीजिए। अब क्या है थर्ड पॉइंट कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इरेशनल्स नीड नॉट बी इरेशनल, यानी कि दो इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल, जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लोग सेम इरेशनल नंबर रखते हैं एकदम सेम, तो भैया यहां पर आपका रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा रेशनल नंबर। एग्जांपल में रूट थ्री इंटू रूट थ्री, यानी रूट थ्री में अगर रूट थ्री से गुना किया जाए तो हम लोग का थ्री आ जाता है, तो थ्री के नीचे क्या है वन, वन होने के, और ये पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग में नहीं है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि ये रेशनल नंबर कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है रेशनल नंबर। लेकिन सिर्फ अगर रूट थ्री रहता, सिर्फ रूट फाइव रहता, टू रूट फाइव रहता, तो ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर। मेरी बात समझ आ गई। अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स में हम लोग अब चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि क्वाइसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर, यानी कि डिवाइड में भी केस अगर मान लिया जाए दो रूट थ्री को
अगर रूट थ्री से डिवाइड दे दिया जाए तो यहां बचेगा क्या, टू। ये केस तभी है जब आपका सेम हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये केस तभी है जब आपका दोनों रेशनल नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है, एक केस की वजह से मैं ये सारी चीजों को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि भैया आप ऐसा माना गए कि सारे रेशनल नंबर है ना, का उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, ये सब इरेशनल आता है। ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ऐसे कुछ केसे हैं, एक्सेप्शन केस, जहां पर इरेशनल के डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं। तो सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी आप याद रखिएगा रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा आप लोग को इरेशनल देंगे। क्या देंगे, इरेशनल। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इरेशनल आएगा, ये हमेशा की बातें हैं। फिर चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं, चौथा पॉइंट कि क्वाइसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, क्वाइसेंट यानी कि रेशनल में डिवाइड दिया जाए इरेशनल से तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। If A is a rational number and B root B is a irrational number, each one of the A plus root B, A minus root B, A by root B and A into root B, है ना, ये सब क्या होंगे, irrational होंगे। क्या होंगे, irrational होंगे। I think कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो अब तक से आप लोग को दिक्कत हुई होंगी वो अब नहीं हो रही होगी। मेरे इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है irrational और rational को लेकर। तो आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर मेरी ये वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें, मुझे सपोर्ट करें, अभी आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ धन्यवाद।